दोस्तों भारत इस वक्त एक बड़े युद्ध की तैयारी में लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध के परिणामों को देखते हुए भारत ने कई बड़े सबक सीखे हैं और भारत अब जानता है कि जंग में हथियारों के साथ मजबूत कूटनीति भी बेहद जरूरी है और भारत अब अपनी इसी रणनीति में सफल होता हुआ भी दिख रहा है। ऐसे में भारत ने युद्ध के लिए क्या क्या तैयारी की है और किन किन देशों के साथ मिलकर यह तैयारी कर रहा है ताकि आने वाले समय में अगर चीन से उसका सामना हो तो वह पहले से ही तैयार रहे, तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं पूरी खबर। दोस्तों आगे आने वाले समय में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन होगा। ऐसे में भारत को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के साथ साथ दुनिया के मजबूत देशों को भी अपने पक्ष में रखना होगा और इसी कारण भारत शांतिकाल में एक से बढ़कर एक कदम उठा रहा है और चीन का खतरा देखते हुए भारत रूस और अमेरिका दोनों को साथ लेकर चल रहा है। भारत एक ही समय पर रूस के साथ भी मौजूद है और उसी समय पर वह दूसरी तरफ अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। ऐसे में भारत एक ही समय पर ऐसे तीन बड़े युद्ध अभ्यासों में हिस्सा ले रहा है जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। भारत अमेरिका फ्रांस जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जंग की तैयारी कर रहा है। भारत ने एक तरफ पाकिस्तान की सीमा पर फ्रांस के साथ मिलकर लड़ाकू विमानों से तहलका मचाया और इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ एक्सरसाइज के समय पाकिस्तान की सीमा के पास जोधपुर एयरबेस से राफेल तेजस जगुआर और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरकर पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ चीन को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मालाबार युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया और मालाबार युद्धाभ्यास इस बार चीन के करीब जापान में हो रहा है जहां भारत ने अपने जंगी जहाजों को भेज दिया है। मालाबार युद्धाभ्यास के अलावा भारत अब अमेरिका के साथ चीनी सीमा के पास भी अपनी गेम शुरू करने वाला है। चीन की सीमा के पास होली में भारत और अमेरिका 15 नवंबर से एक जॉइंट एक्सरसाइज शुरू कर चुके हैं। ये दोनों ही देशों की सेना चीन की सीमा के पास अंधाधुंध गोलियां बरसाएगी और इस दौरान अमेरिका की और भारत की सेनाएं 9000 फुट की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास करेगी और यह इलाका चीन की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। भारत का रूस के साथ मजबूती से खड़े रहना और उसी समय पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ युद्धाभ्यास करना एक जबरदस्त कूटनीति को दिखाता है। भारतीय सेना के लिए नवंबर का महीना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में भारतीय सेना कई विदेशी सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास कर रही है और कई महत्वपूर्ण इंडक्शन और परीक्षण भी भारतीय सेना के लिए किया जाने वाले हैं। फ्रांसीसी सेनाओं के साथ जोधपुर में चल रही एक्सरसाइज गरुड़ 7 अब खत्म हो चुकी है और इस साझा वायुसेना अभ्यास में दोनों ही देशों के फाइटर एयरक्राफ्ट संचार उपकरण और रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया गया था। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं के साथ होने वाली मालाबार एक्सरसाइज 9 नवंबर से जापान के पास शुरू हो चुकी है और इस साझा नौसैनिक अभ्यास में महत्वपूर्ण संयुक्त मोर्चा यानी कि क्वाड की चारों नौसेना हिस्सा ले रही है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका की सेनाएं इसी महीने के आखिरी में 2 हफ्तों में उत्तराखंड के ओली में एक साझा सैन्य अभ्यास करेगी। हालांकि भारत और अमेरिका की सेना कई सालों से इस तरह के साझा सैन्य अभ्यास कर रही है लेकिन यह पहली बार है कि एक साझा सैन्य अभ्यास हिमालय के किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया में किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय सेना की पहली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यूनिट भी इसी महीने असम के मिसामारी में शुरू हो जाएगी। इससे पहले भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी यूनिट जोधपुर में शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना 21 नवंबर को महाजन फायरिंग रेंज में एक इंटीग्रेटेड फायरिंग भी करेगी जिसमें भारतीय सेना के पास मौजूद हर हथियार को फायर किया जाएगा। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में जाकर वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। उस दौरान एस जयशंकर का रूस को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया था। ऐसे में इस बयान के बाद अमेरिका की तरफ से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। ऐसे में अमेरिका भारत से यह कहना चाह रहा है कि वो रूस का साथ छोड़ दे और अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। इसी बात को लेकर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बड़ा बयान दिया है जिसे सुनकर दुनिया के बाकी सभी देश हैरान रह गए हैं। ऐसे में क्या है वो बयान
और अमेरिका ने रूस को लेकर क्या कुछ कहा है, इन सब बातों के बारे में आज हम इसी वीडियो में विस्तार से देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या भारत को रूस के बजाय अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक की और दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देशों के जवाब पर कहा कि भारत और रूस का रिश्ता बहुत पुराना और मजबूत है। जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री के सामने कहा कि हमें जिससे फायदा होगा हम उसी से तेल खरीदेंगे, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी की बात को दोहराते हुए रूस से यह भी कहा कि यह लड़ाई का दौर नहीं है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अमेरिका का बयान आया है। दोस्तों, अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है जिसके जरिए उसने यह कहने की कोशिश की है कि अगर भारत रूस से दूरी बनाने का प्रयास करता है तो अमेरिका और ज्यादा अच्छे से भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने कहा कि भारत को रूस पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता नेड प्राइस ने भारत से कहा कि रूस ऊर्जा या सुरक्षा के क्षेत्र में विश्वसनीय पार्टनर नहीं है। इसके साथ ही नेड प्राइस ने कहा कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो कई दशकों में विकसित और मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस का रिश्ता शीत युद्ध के दौरान बना और मजबूत हुआ, जब अमेरिका भारत के लिए आर्थिक सुरक्षा और सैन्य भागीदार बनने की स्थिति में नहीं था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है क्योंकि पिछले 25 सालों में बदलाव आए हैं। अब भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए हैं, जिसे दोनों ही देशों ने पिछले 25 सालों में हासिल किया है। नेड प्राइस ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के प्रशासन ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, और इसके अलावा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यह भी बोला कि अब अमेरिका ने आर्थिक सुरक्षा और सैन्य सहयोग समेत हर क्षेत्र में भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करने की कोशिश की है। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रूस का साथ छोड़कर अमेरिका जैसे देश की बात पर भरोसा करना चाहिए जो कभी भी अपनी बात पर नहीं टिकता और किसी भी देश का साथ नहीं देता है? जबकि अगर हम रूस की बात करें तो रूस और भारत काफी पुराने समय से एक दूसरे के सहयोगी हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, और रूस ने हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया है और वह हमेशा भारत के साथ खड़ा होता आया है, चाहे वह कोई छोटा फैसला हो या बड़ा। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से भारत को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश में लग रहा है और दोस्तों और दोनों को अलग करने की जो प्लानिंग कर रहा है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपनी इस प्लान में कामयाब हो पाता है या नहीं, क्योंकि भारत अच्छे से अमेरिका को जानता है और वह बिल्कुल भी अमेरिका की इन बातों में नहीं आने वाला है। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा।